कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए वैज्ञानिक संक्रमण से बचाव के तरीके ढूंढने में जुटे हुए हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक भांग से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। आप सभी सोच रहे होंगे कि भांग में ऐसा कौन सा तथ्य छुपा हुआ है जो कोरोना के संक्रमण को रोक सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देंगे। जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में पब्लिश रिसर्च में कहा गया है कि भांग के पौधे में दो खास तरह के रसायन यानी कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है कैनाबिगेरोलिक एसिड यानी CBGA और दूसरा है कैनाबाइडियोलिक एसिड यानी CBDA। रिसर्च के दौरान कोरोना वायरस पर इन्हीं दोनों कंपाउंड के असर को देखा गया। रिपोर्ट में सामने आया कि ये दोनों कंपाउंड शरीर में कोरोना वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा होने पर वायरस इंसान को संक्रमित नहीं कर पाता। जहां तक भांग से कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाएगा और ये कितना असरदार है उसकी बात करें, तो शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी भी इंसान को संक्रमित करने के लिए कोरोना अपने स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। इसी के जरिए वो शरीर में एंट्री करता है। भांग के पौधे में मौजूद केमिकल कोरोना के इसी स्पाइक प्रोटीन को जकड़ लेते हैं और इसे एंट्री करने से वहीं पर रोक देते हैं। इस तरह कोरोना वायरस आपके पास पहुंचने के बाद भी आपको संक्रमित नहीं कर पाएगा। वैन ब्रीमैन का कहना है कि कैनाबिगेरोलिक एसिड यानी CBGA और कैनाबाइडियोलिक एसिड यानी CBDA का इस्तेमाल कोरोना के संक्रमण को रोकने के साथ संक्रमित मरीजों के इलाज में भी किया जा सकेगा। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने इस बात का भी दावा किया है कि भांग में मौजूद जिन केमिकल से संक्रमण को रोकने की बात कही गई है वो साइकोएक्टिव कंपाउंड नहीं है, यानी इसका असर दिमाग पर नहीं होगा। बता दें कि साइकोएक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो दिमाग पर असर डालते हैं, जैसे निकोटीन, अल्कोहल, कोकीन और भांग। भांग से भी नशा होता है, लेकिन कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दोनों कंपाउंड से नशा नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आखिर किन किन वेरिएंट्स पर असरदार होगा भांग का ये प्रयोग। शोधकर्ताओं का दावा है कि भांग के कंपाउंड्स यूके में मिले कोरोना अल्फा और साउथ अफ्रीका में पाए गए बीटा वेरिएंट्स पर बराबर से असरदार है। इन कंपाउंड्स को ओरल ड्रग के तौर पर दिया जा सकता है। इसके साथ ही इनका प्रयोग कोरोना के खिलाफ वैक्सीन और एंटीबॉडी तैयार करने में भी किया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक कोरोना के मरीजों पर इसका प्रयोग किस तरह से करेंगे इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अगर वर्तमान में भांग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है उसकी बात करें, तो वर्तमान में भांग के पौधे का कई तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे कंपाउंड फाइबर निकालने के साथ इसे जानवरों को चारे के रूप में भी दिया जा रहा है। इसके अलावा इससे कई तरह के प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स, बॉडी लोशन, डाइटरी सप्लीमेंट्स और दवाओं को तैयार करने में भी भांग का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।